सो यू व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम बैक करता हूं आप सभी लोगों का मिन्ना को गेमिंग की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन हमें यहां पे डे 1 टू डे 10 में एक अच्छा खासा मतलब अपना वो कुछ बढ़िया सा कुछ भी सब कुछ एकदम प्रिपेयर करके रखना है। तो अभी ना हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे हमारे बेड के लिए हम लोगों को 3 शीप चाहिए थे जो कि हम लोगों ने मार लिया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी हम लोगों को चाहिएगी मतलब वुड के लिए बहुत बेसिक टूल्स बनाने हैं, तो वुड तो चाहिएगी। फिर हम लोग यहाँ से वुड तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं पूरी की पूरी वुड। और भाई वुड निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और आगे घूमने जाते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड कुछ बढ़िया मिलता है कि नहीं। और भाई वैसे तो भाई आप लोग देख ही सकते हो अभी तक का, अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं हमारी वीडियो के तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ इसी वाली वीडियो के लिए नहीं, आप लोग हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं चैनल, इसी चैनल पे हमारी और भी काफी सारी वीडियो है जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यार चलो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप लोगों को साइड में यहाँ पे तो एक बार के लिए विलेज मिल गया भाई यहाँ पे। अब मैं इतना सरप्राइज क्यों नहीं है क्योंकि मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर। भाई जब मेरे को मिला था तब मैं सरप्राइज था, बट अब मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता ही है यहाँ पे अपने को विलेज मिल मिला था। तो गाइस यार अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, इस विलेज के ना सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। भाई बहुत मस्त सिनेमैटिक शॉट्स होने वाले हैं तो बस आप देख लो। वैसे तो मैं विलेज की खुशी में तो हूँ ही भाई साहब, डूम डूम हो रखा हूँ। विलेज इतना मिलने की मतलब खुशी थी इस वजह से मैं सेटअप वेटअप कर रहा था। तो गई देर फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स लेने से पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन थोड़ा विलेज एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन विलेज एक्सप्लोर करने के मतलब पहले ही अपन देखो अभी विलेज एक्सप्लोर कर रहे थे और पीछे मुझे क्रीपर दिख गया था, मैंने उससे इतना ध्यान नहीं दिया था क्रीपर के ऊपर। और अब देखो मैं पीछे जा रहा था, लेकिन अब देखो भाई आप लोगों को दिखने वाली है। भाई देखो अपना वहाँ पे देखो हमारा जो डे 2 का जो सूरज है वो डूब रहा है, मतलब अपन लोग अभी सोने जाएंगे फिर डे 2 है भाई अपन लोग को। अभी यहाँ पे क्रीपर दिख गया है तो हम लोग यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे हैं। भाई भागो यार यहाँ से, पैसे तो भागते हैं यहाँ से निकलते हैं। और फिर मैं यार क्रीपर से बचता बचाता वहाँ से निकल के आया और मैंने यहाँ पे डोर क्लोज कर किया मतलब कर दिया डोर क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब देख रहा था कि वो क्रीपर अन्ना मतलब वहाँ से हमारे पीछे यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर मैंने इस विलेजर को उठाया और मैं यहाँ पे खुद सो गया क्योंकि मैं इनको सुबह करके दूंगा यार। तो फिर यार हम लोग यहाँ से उठ जाते हैं और अभी हमारा है डे 2। भाई डे 2 हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और मैंने सोचा भाई अभी वो क्रीपर वहीं पे होगा तो अपन लोग थोड़ा सा क्रीपर वगैरह से ऐसे थोड़ी सी मतलब इसको थोड़ा सा संभालते हैं। तो भाई मैंने ना सबसे पहले तो मैं इसको विलेज के साइड में लेके आया क्योंकि मुझे पता था भाई अगर ये विलेज के अंदर फूट जाएगा तो घर पर टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी वगैरह वगैरह। फिर भाई मैं इसको हाथों से हिट करके दूर दूर डाला क्योंकि मेरे पास शॉट नहीं थी, वरना इतनी देर में तो ये मर ही जाता। फिर ये हो गया ब्लास्ट, मेरे को एक भी हार्ट का डैमेज नहीं आया क्योंकि मैं काफी दूर निकल गया था। बड़ी फट गया था ये तो मतलब अपने लिए ठीक था कि मतलब अपने ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो भाई अब मेरे दिमाग में आया कि चलो अभी अपनों ने पिछली बार तो वीडियो वो विलेज एक्सप्लोर करने निकला था तो कर नहीं पाया, तो चलो सबसे पहले विलेज एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या है। लेकिन उससे पहले भाई अपन लोग अभी तक का वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही और कंटेंट भी आने वाले हैं। तो भाई फिर हम लोग यहाँ पे विलेज एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को फार्म मिलते हैं काफ़ी सारे जो कि हर एक विलेज में होता है, कैरेट और पोटैटो के फार्म मिले और वैसे यहाँ पे वीट का फार्म भी था। मतलब देखो जैसे यहाँ पे हे बेल लगे हुए हैं तो हे बेल से अपन लोग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब तोड़ लेते हैं क्योंकि हमारे जो हंगर बार है वो एकदम 3 पे हो गई है, इसलिए हम भाग नहीं सकते हैं, चल सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते हैं। फिर हमने हेबेल को लिया, हेबेल से हम लोगों ने वीट बनाई, वीट से हम लोगों ने सबसे पहले तो हमने ओक प्लैंक बनाना भूल गया था तो हमने ओक प्लैंक्स बना लेते हैं। अब देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पर अब दो हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो ओक प्लैंक बना लेते हैं सारे के सारे 52 अपने को ओक प्लैंक मिल गया है। अब हम लोग यहाँ से भाई थोड़ा सा आगे निकलने वाले, मतलब पहले तो लोग यहाँ क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई है, क्राफ्टिंग टेबल को अभी ना हम लोग यहाँ पे एकदम काम करके एकदम प्लेस करने वाले हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस कर दिया है, अब यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी जो ये अपने को 9 वीट मिले जिसके अपन लोग अभी 100 सबसे पहले हम बेसिक टूल बनाने वाले हैं। अब बेसिक टूल के बाद ना हम लोग मतलब बेसिक टूल अपने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर बेसिक टूल अपने को काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। बेसिक टूल तो भाई मतलब बेसिक है टूल, मतलब बेसिक टूल इनका नाम है तो काम तो आते ही होंगे, देखो बेसिक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, इसको वीट को अंदर रख लिया और अपनी थोड़ी सी इन्वेंट्री मेंटेन करी कि जिस तरह से मतलब किस तरीके से अपने को इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन करनी है। फिर हम लोग वापस गए क्राफ्टिंग टेबल के अंदर, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वीट से बनाए 3 ब्रेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसको आराम से प्लेस किया और यहाँ पे बना लिया 1 2 3, यहाँ पे 3 हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेड बना लिया है। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले आगे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मतलब गलती से हम लोग क्राफ्टिंग टेबल खोल दिया। अब पीछे हम लोगों को देखो एक शीप दिखी और एक शीप का बच्चा, लेकिन अभी हम उसका इन दोनों का कोई काम नहीं है बिकॉज हमको विलेज मिल गया है तो अपने को बेड बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अभी ना हमको यहाँ पे देखो बेड बनाने की जरूरत, हमने बेड बनाने के लिए वुल ले ली थी बट फिर भी अपने को वो तो बात आई कि अपने को यहाँ पे विलेज मिल गया तो अपने बेड नहीं बनाया। वही ना अभी अपन एक काम करते हैं, पूरे पूरे विलेज का हम लोग ले लेते हैं एक सिनेमैटिक शॉट। तो चलो
तो गाइस यार अभी होगी रात, तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं और रात के भी सिनेमैटिक शॉट्स निकाल लेते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं सोने के लिए डे थ्री के लिए, और अभी हम लोग सो के उठते हैं तो हमारा जो है डे थ्री। और भाई उसके बाद हम लोग जाते हैं ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में जो हम लोगों ने सिनेमैटिक शॉट्स के लिए देखा था रूइन पोर्टल, जैसे कि ये रहा रूइन पोर्टल, हम लोग इसको लूटना जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी चेस्ट खोलते हैं और चेस्ट के अंदर हम लोगों को दिखता है तीन मतलब चार फ्लिंट मिलते हैं और एक की पता नहीं, एक गोल्ड आर्मर मिलता है हॉर्स का, एक गोल्डन एप्पल मिलता है, एक फ्लिंट एंड स्टील मिलता है, चार फ्लिंट मिलते हैं हम लोगों को बताया, और 12 नगट मिलता है, और ये पता नहीं एक आग का गोला से मिलता है, पता नहीं है क्या है। उसके बाद हम लोगों ने एक काम करते हैं, अपना हाथ में शॉर्ट पकड़ लेते हैं, नहीं बीच में कुछ आए तो फिर काम कर लेते हैं उसका, हम मतलब काट कूट देंगे, मतलब बीच में जब खच देंगे बीच में जैसे मारेंगे उसको तो उसका दिमाग में हो जाएगा खराब खरूप, और हम लोग यहाँ से आराम आराम से करके नीचे निकलने लग जाते हैं। तो भाई देखो अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, देखो अपना जितने भी सॉर्ड है, एक्स है और एक पिकेक्स जो इन्वेंटरी है पड़ी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इनको हम लोग एक काम करते हैं सो मतलब स्टोन में अपग्रेड करते हैं, जब इन्हें अभी लकड़ी के है तो इनको जल्दी जल्दी स्टोन में अपग्रेड करते हैं। तो चलो यार जल्दी जल्दी सारे के सारे टूल्स को करते हैं स्टोन में अपग्रेड। तो मैंने सारे यहाँ पर स्टोन कलेक्ट करके आ गया यहाँ पे, और मैंने स्टिक्स और स्टोन्स मिला के मतलब रेसिपी वगैरह लगा के मैंने बना लिए अपने सारे के सारे लकड़ी के वगैरह के टूल, और भाई फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ी और मैं यहाँ से निकल गया विलेज की तरफ। और क्यों निकला बताता हूँ, क्योंकि भाई जिस दिन मैंने बोला था कि मैं विलेज एक्सप्लोर करूँगा उस दिन हो गई थी रात, पहले मतलब काफ़ी जल्दी हो गई थी रात, क्योंकि अपन पहले भी घूम के वगैरह आए थे तो रात हो गई थी। तो भाई अपन ने क्या किया, अपन वापस चले गए सोने के बाद, उठते ही हम लोग गए सिनेमैटिक शॉट्स लेने। और अब ना यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जितने भी विलेज के घर हैं सारों के सारों में जिनमें भी क्राफ्ट मतलब चेस्ट वेस्ट है सब एकदम लूट के आते हैं, और भाई यार फिर अपन विलेज से ज़्यादा माला माल हम हो जाएंगे, और बस आई एम वेटिंग फॉर अ रेड भाई, कि अगर जल्दी जल्दी रेड आ जाए तो मैं विलेज का हीरो बन जाऊँगा शायद, क्योंकि मैं खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं रख सकता कि मैं सभी को मार दूंगा। वैसे कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं विलेजर्स को मतलब विलेजर्स को मार दूँ, विलेजर्स को ना मारूँगा भाई, हीरो बनना है विलन नहीं, ठीक है। अभी ना अभी देखो फिर जब मैं हीरो ऑफ द विलेज बन जाऊंगा ना, हीरो ऑफ द विलेज, उसके बाद तो भाई मेरे को सारे सारे ये ट्रेड जितने भी हैं ये आराम से दे देंगे, हल्के में दे देंगे, 4 एमरल्ड की चीज़ 1 एमरल्ड में दे देंगे, सस्ता लगा देंगे सारा का सारा सामान। तो बस मेरे को यही चाहिए, और यहाँ पे ना अपन के पास अभी भी चांस है कि अपन लोगों को ना थोड़ा सा लाइब्रेरियन मिल जाए, क्योंकि बिकॉज अगर यहाँ पे ना वो मतलब अगर गेस्ट हाउस जितना बड़ा सारा एक घर सा होता है, मतलब मैंने उसका गेस्ट हाउस नाम रख दिया, बिकॉज जितनी बार मैं विलेज में आता हूँ मेरे को अगर वो मिलता है तो उसके अंदर बुक शेल्फ वगैरह होता है, मतलब बुक शेल्फ लगे हुए होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे लाइब्रेरियन है। अगर यहाँ पे लाइब्रेरियन निकल गया तो हम एंचेंटमेंट बुक्स वगैरह निकाल सकते हैं, और अगर बुक्स वगैरह हमने को ले ली उसके बाद तो भाई हम लोग यहाँ पे आयरन वायरन का सब कुछ अगर हमारे पास आ जाए, आई होप डायमंड का भी आ जाए, तो फिर भाई अपन लोग यहाँ से सारा का सारा सामान अपन निकाल सकते हैं। और भाई वैसे तो देखो अभी यहाँ पे सूरज ढलने लगा है और डे 4 के लिए होने लगी है रात भाई, अभी हम लोग करने वाले हैं डे 4 भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं सोएंगे। और भाई उसके बाद तो भाई अभी देखो काफ़ी सारा मतलब चेस्ट वेस्ट रही हुई है, कि भाई अपन लोगों को अभी वहाँ पे और लूटने लूटने भी जाना है, तो सबसे पहले काम करते हैं चलते हैं अपने छोटे से विलेजर के घर के अंदर, और यहाँ पे अपन लोग सो जाते हैं डे 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 4 के लिए, तो ये सो जाते हैं और उसके बाद ना यहाँ पे डे 4 हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डे 4 ना भाई सबसे छोटा डे होने वाला है अपने विलेज मतलब अपने पूरे के अंदर,
अब देखो यहाँ पर रात क्यों होने लगी। अब आप लोग बोल रहे हो भाई इतनी जल्दी रात और फिर तो सोने भी लग गया और अब तुमने डे फाइव भी कर दिया। फिर मैं अब बताना चाहता हूँ कि भाई अभी ना हम लोग डे फाइव के सबसे पहले तो माइनिंग करने गए हैं और भाई यहाँ पे अपने लोगों को चांसेस मतलब पूरा आयरन ढूंढने जाने वाले हैं, तो अपने काफ़ी सारे आयरन यहाँ पे मिल जाएंगे। भाई उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डे फोर इतना छोटा क्यों है। अब डे फोर भाई पूरा पूरा विलेज वगैरह एक्सप्लोर किया तो फिर सारा टाइम उसमें ही निकल गया, इस वजह से डे फोर इतना छोटा है। आप लोगों ने यहाँ पे पूरे अपन गए हैं और अभी यहाँ पे हम लोग माइनिंग कर लेते हैं। और भाई देखो यहाँ पे ना हम लोग अभी जल्दी जल्दी देखो जितने भी आयरन जितने भी मिल रहे हैं ले लेते हैं और अब फिर अपन बनाने चलते हैं अपना मेन सबसे मेन चीज़ आयरन का आर्मर। तो अगर फिर हम लोग वापस चलते हैं अपनी खुदान के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत वैसे खोदा है कि अपन लोग वहाँ पे अपन को आयरन वगैरह मिले हैं। अभी इतने जगह के अंदर मतलब इतना अपनों ने खोदा है पूरा बाहर की भी काफ़ी खोद के आए हैं और अपनों को रात हो गई थी इसलिए मतलब रात नहीं मतलब अपन को कुछ सामान चाहिए इसलिए अपन बाहर गए थे और अपनों को पता था कि यहाँ पे आयरन है। तो भाई अपने लोग फिर वो जितना भी अंदर आयरन मिला उसको तोड़ के हम लोग यहाँ से बाहर आए और अभी यहाँ पे हम लोग जैसे पोटैटो खा रहे थे तो ये पिक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गया आ गया क्योंकि पिक मतलब पोटैटो से हम पिक को फीड कर सकते हैं। और उसके बाद भाई मैं यहाँ पे गोलम के लिए थोड़ा सा रुक गया क्योंकि ये अजीब तरीके से भाग रहा था, मुझे लगा इसको कोई जॉम्बी वॉम्बी दिखा है बट नहीं ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए आगे और भाई भाई ये विलेज में आगे आ गया कोई नहीं। अब भाई देखो फिर हम लोग यहाँ से निकले आगे विलेज की तरफ और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लगाई क्राफ्टिंग टेबल और भाई क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जाते ही हम लोगों ने यहाँ पे बनाया एक फर्नेस। फर्नेस इसलिए बनाया ताकि हम लोग सारा का सारा रॉ आयरन को स्मेल्ट कर सकें और उसके बाद इसके साथ हम लोग थोड़ी वो बना सके मतलब टूल्स वगैरह बना सके आयरन का आर्मर वगैरह बना सके और इतनी देर में हो जाती है रात। अब रात के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे सोने के लिए डे सिक्स के लिए और अब हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी गेट बंद कर लेते हैं और यहाँ पे स्वीट ड्रीम्स और यहाँ पे सो जाते हैं हम लोग डे सिक्स के लिए भाई फाइनली डे सिक्स। और अभी ना हम लोग यहाँ पे डे सिक्स से बाहर निकलते हैं, सुबह हो गया डे सिक्स हो गया और उसके बाद हम लोग यहाँ से कर देते हैं दरवाजे को बंद और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं और हम लोग फिर चलते हैं वहाँ पे सीधे वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने फर्नेस के लिए जाने वाले थे। बट यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है एक फुद्दू सा मॉब स्केलेटन दादा। अब हम यहाँ से स्केलेटन से भाई सब लड़ने निकलते हैं। अब भाई इस मतलब अब देखो थोड़े बहुत से मेरा मन में आ रही थी कि स्केलेटन से लड़ते हैं वगैरह, फिर हम लोग उस स्केलेटन से लड़ के आते हैं बट यहाँ से जब हम पीछे देख के भाग रहे होते हैं और हम लोग नीचे गिर जाते हैं मतलब ऊपर से नीचे गिर जाते हैं तो हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान वगैरह ना नीचे ऐसे खिंड जाते हैं मतलब इधर उधर बिखर जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे कोल ढूंढने के लिए बट फिर मैं नीचे आके मर गया। भाई मरा कैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि ज़ॉम्बी से, नहीं भाई मैं नीचे आके गिर गया तब मैं मर गया वरना मैं तो मरना ही नहीं था। ठीक है अब यहाँ पे भाई हम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पे जितना भी कोल है सब माइन करके हम लोग यहाँ से बाहर निकले और फर्नेस के अंदर हमने यहाँ पे लगा दिया स्मेल्टिंग के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी जल्दी जल्दी सारा सारा जितना भी कोल लेके आए थे हम लोग जितना भी सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया मतलब कोल लगा दिया है फॉर स्मेल्टिंग आयरन। ठीक है आयरन स्मेल्ट करेगा कोल। ठीक है अब हम लोग यहाँ से जितने जब तक हो रहे हैं अपन लोग यहाँ से चलते हैं वापस अंदर ताकि अपन लोग थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब वैसे टाइम पास कर रहे थे घूम रहे थे और तब हमको पता चलता है कि ब्रो हमारे पास मतलब आठ आयरन वगैरह मतलब स्मेल्ट हो जाते हैं आठ नौ आयरन। तो फिर हम लोग उसका एक मतलब चेस्ट प्लेट बनाने की ट्राई करते हैं लेकिन फिर मेरे को पता चलता है कि भाई साहब मुझसे बड़ा नूबड़ा कोई नहीं होगा, मुझे चेस्ट प्लेट की रेसिपी ही नहीं पता। फिर मैं गया ऊपर वाली सर्च के अंदर कॉर्नर में फिर हम लोगों ने वहाँ से बना लिया बूट और हेलमेट आयरन का बूट और हेलमेट बना लिया मैंने। फिर हम लोग आगे गए फिर हम लोगों को थोड़े से आयरन और स्मेल्ट हो गए थे मतलब मैंने फिर लैगिंग बना ली उसकी मतलब आयरन स्मेल्ट हो गया तो मैंने धीरे धीरे बनाया जा रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा सा आयरन और ढूंढने गया बिकॉज जितना आयरन मेरे को मिला था उतना नॉट सफिशियंट फॉर द मेकिंग माई चेस्ट प्लेट मतलब जितना मेरे को मिला उसको चेस्ट प्लेट बनाने के लिए वो इतना मतलब काफ़ी नहीं था उतना बनाना। फिर मैं भाई ये रात होने लगी तो फिर हम लोग यहाँ पे सले से सोते हैं डे सेवन के लिए। यहाँ पे ये विलेज जो सो रखा था इसको हम लोगों ने उठाया और यहाँ पे देखा कि भाई रात कब होगी। भाई यहाँ पे वो विलेज तो गेट बंद करके निकल लिया है यहाँ पे बस सूरज ढलने का वेट कर रहे हैं फॉर डे सेवन ब्रो। फिर हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं और यहाँ पे वापस ये सो गया भाई कितना ढीठ विलेजर है हट निकल खड़ा हो। ठीक है इसको हम लोगों ने उठाया फिर हम लोग यहाँ पे सो गए डे सेवन के लिए और बूम यहाँ पे हो जाता है हमारा डे सेवन गाइस। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डे सेवन के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं
और यार यहाँ पे हम लोग फर्नेस में जाते हैं। फर्नेस में जाने के बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारे 4 आयरन ऑर्स मेल्ट हो चुके हैं, 7 हो गए हैं। और मेरे को पहले मैंने हिसाब लगा लिया था कि आप लोगों को चेस्ट प्लेट के लिए कितना चाहिए और कितना हमारे पास आ गया है, तो एक कम पड़ा था। बट हम जब उस जगह पे तो हमने पूरा ओवर माइन किया भाई, वहाँ पे अपनी पूरी मतलब स्टोन की पिक्स डैमेज हो गई थी, फिर मैंने दूसरी नई बनाई और उसके बाद दूसरी नई बनाई, इतना खोदा भाई, लेकिन फिर भी वहाँ पे अब और आयरन नहीं मिले। बोले कि भाई जितना मिल गया उतने से खुश रहे, यहाँ पे और नहीं मिलेंगे। फिर मैं गया दूसरी जगह माइन करने के लिए, वहाँ से मैंने निकाले थोड़े बहुत आयरन, उसके बाद मैंने यहाँ से बना लिया एक चेस्ट प्लेट और अब हो गया हमारा पूरा आयरन का आर्मर कम्प्लीट। और अभी भी ना हमारे पास मतलब 2 आयरन बच जाते हैं, 2 आयरन इंगट। फिर हम लोग इनसे क्या करने वाले हैं, मतलब 2 नहीं बचते हैं, वो 4 बचते हैं, बिकॉज हम लोग मतलब वो चेस्ट प्लेट तो बन गई थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, मतलब अपने थोड़ा टूल वूल बना लेते हैं, ठीक है, टूल्स के लिए मतलब आयरन के टूल बना लेते हैं। तो हमने सोचा सबसे पहले मेन तो अपन आयरन की शॉर्ट बना लेते हैं और पिक्स बनाने की ट्राई कर रहे थे। बट फिर हमारे पास एक आयरन और कम रह गया, फिर भाई मैंने सोचा भाई एक एक के चक्कर में ना माइन करवाएंगे और फिर भाई एक रह जाएगा तो मेरे को वापस लाला चाहिएगा कि भाई बंदे को अब मेरे को बनाना है तो मतलब बनाना है। और भाई उसके बाद हम लोग अभी देखो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। और अभी तो मेरा पूरा का पूरा आयरन का आर्मर हो गया है कंप्लीट भाई, क्योंकि अभी ना हम लोग अभी काम करने वाले हैं। तो भाई अभी करने हैं वीडियो को एंड, क्योंकि अगर आप लोगों को चाहिए ना डे 7 टू डे 15 तो आप लोग जाके कमेंट कर दो, डे 7 टू डे 15 जाके कमेंट भर दो, डे 7 टू डे 15, डे 7 टू डे 15, तो हम कर देंगे डे 7 टू डे 15। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि भाई देखो अपने पूरा आयरन का आर्मर तो वैसे बन ही गया है और अपनी आयरन की स्वॉर्ड भी बन चुकी है, बस अपने को भी पिकैक्स वगैरह बनानी है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो डे 7 टू डे 15 भी बना लेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।